हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐतिहासिक मैदान में ले कर चल रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा जो कि 60 एकड़ में फैला हुआ। ये बिहार के पटना में स्थित है। इसके 12 गेट से घिरा हुआ है। मैं 7 नंबर गेट से एंट्री किया हूँ और अब चलता हूँ, आपको गांधी मैदान की खूबसूरती दिखाता हूँ। वो जितने बड़ा है उतना ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती का जो मिसाल दिया जाए वो कम है। ये मैदान गोलघर के निकट और गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा साइड से आती हुई ठंडी हवा इस मैदान को और ही रोमांचक बना देती है। पेड़ों की सुरक्षा का भी अधिक ध्यान रखा जाता है। गांधी मैदान के किनारे जिम भी लगा हुआ है। रात की अंधेरों में चमचमाती ये लाइट गांधी मैदान को और भी लोभांकित बना देती है, उसकी खूबसूरती को और चांद चांद लगा देती है। गांधी मैदान की चारों ओर बैठने की व्यवस्था की गई है। इस मैदान की सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात रहते हैं। इसके चारों तरफ फुटपाथ बना हुआ है और साइड में हरियाली के लिए पेड़ लगा हुआ है। अगर आप बिहार के पटना आते हैं तो आप एक बार गांधी मैदान जरूर जाइएगा और वहाँ की खूबसूरती और अच्छाई और वहाँ के वातावरण का आनंद उठाइएगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अपने सारे दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दें। ये गांधी मैदान बहुत ही ऐतिहासिक और मददगार है। चाहे बड़े बड़े नेताओं की रैली हो या प्रेम जोरों की ठहरने की जगह, वीडियो में आप बने रहें, आपको गांधी मैदान का हर एक कोना का टूर कराऊंगा, गांधी मैदान की हर एक खूबसूरती दिखाऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें। इस गांधी मैदान के किनारे आप देख रहे होंगे कि बच्चों को खेलने के लिए झूला भी लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं। इस गांधी मैदान में बहुत से कलाकार अपनी कलाकारी दिखाते रहते हैं। जैसे देखिए ये कैसे अपने मुंह से कलाकारी दिखाते हैं। इस गांधी मैदान में स्वच्छता को रखने के लिए डस्टबिन की भी सुविधा है। आप लोग जाएं तो कचरा कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, ना कि गांधी मैदान के कहीं पे ही फेंक दें। अभी हम गेट नंबर 4 के पास पहुंच चुके हैं और वो जो आप दो रोड खड़ा खड़ा देख रहे हैं उसमें संडे और शनिवार को एक शो चलता है जिसमें बिहार के इतिहास के बारे में बताया जाता है। वो बहुत ही बड़ा स्क्रीन पे चलता है। अगर आप शनिवार और संडे को आइएगा तो उसे देख सकते। गेट नंबर 4 से थोड़ा ही आगे पे एक गांधी पार्क बना हुआ है, उसमें आपको अभी हम ले चलेंगे। वो भी पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और 4 के सामने से जा सकते हैं। ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर गांधी जी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। आप जाएं तो इसे ज़रूर देखें। ये गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है गांधी मैदान में।
जहाँ पे गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है। आप देख लिए गांधी पार्क जो गांधी मैदान के अंदर स्थित है। आपको हम गांधी मैदान का बीच का नज़ारा दिखाते हैं। इस गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास स्थित बिस्कोमान भवन जो कि पटना के एक ऊंची इमारतों में गिनी जाती है, उसके ही बगल में SBI का मेन ब्रांच, इसके ही बगल में बापू सभागार है। अभी समय संध्या का है और आज वैलेंटाइन डे भी है, इसीलिए आपको मैदान में प्रेम जोरों की बहुत दिख रहे होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं गांधी मैदान के एकदम बीचों बीच जहाँ पे झंडा तोलन होता है। आपको दिख रहा होगा यही वो जगह है जहाँ पे झंडा तोलन होता है बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। ये गांधी मैदान के एकदम बीच में बना हुआ है। ये गेट नंबर 10 के सामने है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। हम आपके लिए और ऐसे ही ब्लॉग्स लाते रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे गांधी मैदान के बीचों बीच एक कैमरा लगा हुआ है। आप यहां आते हैं तो अपनी हरकतों को थोड़ा मर्यादित रखें क्योंकि आपकी सारी हरकतें उस कैमरे में कैद होती है। गांधी मैदान के बीचों बीच एक नॉर्मल रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते से राज्यपाल और मुख्यमंत्री झंडा तोलन के दिन आते हैं।